Welcome back to my channel. Today we are going to make harness, body harness. बहुत time से मैं सोच रही थी, मैंने सरोजिनी नगर से 5 ब्रेसलेट्स भी ली थी to make the same. So let's see कैसे बनता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कैसे बनाना है. और but मैंने design सोच रखा है कि किस type का इन 5 ब्रेसलेट्स में बन सकता है, और तभी मैंने 5 ब्रेसलेट भी खरीदी हैं. तो देखते हैं, अगर मैं नहीं सिल पाई तो मैं मोजे के पास ले जाऊँगी और उससे सिलवा लूँगी. बट हाँ, मैं पोजिशन मार्क कर दूँगी कि कहाँ मुझे क्या चाहिए. तो हार्नेस मुझे कुछ ऐसा सा चाहिए. ये फ्रंट होगा इसका, और बैक में कुछ मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा सा हो जाए. मतलब जो मैंने डिज़ाइन सोचा है उसके अकॉर्डिंग मुझे 3 बेल्ट चाहिए वेस्ट पे. तो मैं फिलहाल अपनी वेस्ट मार्क कर रही हूँ कि इन सर्कमफ्रांसेस में मेरे वेस्ट का क्या मेजरमेंट रहेगा. रबर बैंड लेके मैं उसको मार्क कर रही हूँ. मैं ऐसे कुछ पेंसिल या फिर चॉक से निशानी लगा रही, क्योंकि वो हट जाएगा. रबर बैंड ठीक रहेगा. उसी तरह से मैं शोल्डर पे भी बेल्ट रख रही हूँ. मुझे दोनों शोल्डर पे इस तरह से बेल्ट चाहिए. बट मैंने यहाँ पे गलती करी है. मुझे जो बकल है वो नीचे की साइड पे रखना था, जबकि मैंने ऊपर की साइड पे रखा है. तो दोनों साइड पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी कि मुझे लेंथ कहाँ तक चाहिए इसकी बकल की. तो मैं चेस्ट पे, चेस्ट से नीचे जहाँ पे भी रहे, इस तरह से मुझे पूरा डिज़ाइन चाहिए. और बैक में ये दोनों जो हैं, ये दोनों वी की शेप में पीछे अटैच हो जाएंगे. बैक में वी कहाँ तक चाहिए उसके लिए भी मैं रबर बैंड से इसको मार्क कर रही हूँ. दोनों बेल्ट्स को मैं मार्क करूँगी. रबर बैंड से इजी रहता है, आप ऊपर नीचे अपने हाथ से कर सकते हो मार्क को अगर करना हो तो. इस तरह से लो, टूट गया. दूसरा रबर बैंड लेके मैं मार्क कर रही हूँ दोबारा से. आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर दीज फुटवेयर्स विच आई रिसीव फ्रॉम जूप ब्रांड, विच इज़ अ वेगन ब्रांड एंड प्राउडली इंडियन. ऑल्सो दे हैव वाइड रेंज ऑफ प्रिंट्स इंस्पायर्ड बाई इंडियन हेरिटेज. दिस वैलेंटाइंस डे यू कैन सरप्राइज योर मदर, डॉटर, सिस्टर और लवर विद दिस प्रोडक्ट और मैनी प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. माई मदर नीड्स सॉफ्ट फुटवेयर विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कंसिडरिंग द ट्रेंड और फैशन गोइंग ऑन. दिस वन इज एप्ट फॉर हर. आई एम डेफिनेटली गोना बाय वन फॉर हर. This is very stylish footwear and I absolutely love the material and how soft and comfortable it is. Quality is 101%. If you also want to gift your loved ones, you can use my coupon code to avail a 15% additional discount on the website. Happy Valentine's Day! क्योंकि मैंने पहले से नहीं सोचा हुआ है कि ये कैसे बननी है और ना ही मुझे पता है, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है काफ़ी कि कैसे मैं इसको बनाऊं. तो ये जो दो पट्टी हैं ये शोल्डर पे रहेंगी, और शोल्डर पे ये मैंने मार्क किया है वी जहाँ बनेगा. इन दोनों को मैं इस तरह से वी में जॉइन करूँगी और सिंगल बेल्ट नीचे की साइड पर दूँगी. एक को मुझे काटना पड़ेगा. और ये जो 3 बेल्ट हैं ये मेरी वेस्ट पर आएंगी. रबर बैंड वाली जगह पर मुझे होल करना पड़ेगा, और होल से आगे ये वाला पोर्शन मुझे थोड़ा सा काटना पड़ेगा. इतना मुझे काटना पड़ेगा, और ये जो कटिंग है वो मैं आगे यूज़ करूँगी. और मुझे वो जो कटिंग है वो मुझे इस साइड पे और इस साइड पे, यानी दो साइड पे बस्ट के नीचे जॉइंट करना पड़ेगा, ताकि ये बकल उसमें जॉइंट हो सके. लाइक दिस, यहाँ पे इससे थोड़े से गैप में यहाँ एक लाइन आएगी, और थोड़े से गैप पे इस पॉइंट से थोड़े से छेद करने के बाद इतना मैं काटूंगी, और वो जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ये जो नीचे वाली लाइन है, बेसिकली ये जो नीचे वाली लाइन है ये मुझे चाहिए थी बकल वाली, बट बकल वाली मैंने रखी है ऊपर. तो इसीलिए जब आप बन जाएगा ना तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, अगर कर पाएँ तो. अगर मैं नहीं बताऊँगी तो नहीं भी करेंगे, बट वो आपको समझ आ जाएगी कि क्या गलती हुई है. बट ये इस तरह से ही बनने वाला है. सबसे पहले बैक में मैं इसको वी शेप में काटूंगी. दोनों को मैं बराबर काटूंगी और इस तरह से वी रखूंगी, और जो नीचे वाली सिंगल लाइन है उस पर मैं अटैच करूंगी. और जो 3 वेस्ट वाली लाइन है उस पर मैं इसी मार्क पे जहाँ मैंने रबर बैंड लगाई है वहाँ से मैं होल्स बनाना शुरू करूंगी. ये बेल्ट होल मेकिंग टूल है. तो मैंने ये देखा है कि ये इस तरह से 3 मेरी बेल्ट आएंगी, और मुझे देखना है कि मैं कहाँ तक काटूँ. तो मैं कुछ इतना ले लूँगी और इतना मैं इसको कट कर दूँगी, और कुछ वी शेप में कट करूँगी. फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ ताकि ईजी रहे,
और जो नीचे वाली हैं उनको भी इसी के अकॉर्डिंग मैं कट कर दूंगी। और अब मैं चौक से मार्क कर रही हूँ कि मेरी बस्ट के नीचे ये कहाँ पे आनी चाहिए दो लाइंस जहाँ पे बकल जॉइंट होंगे, तो ये मैं मार्क कर रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं बाकी करूँगी। तो जो कटिंग है वो इस तरह से यहाँ पे लगेगी लाइक दिस। इसको मैं फेविकॉल वगैरह से जोड़ूंगी, फेविकॉल भी मैं स्ट्रॉन्ग वाला ले रही हूँ। घर पे जो काम हुआ था कारपेटर्स कुछ अपने फेविकॉल छोड़ के गए थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेविकॉल होती है जो कि लीपिंग वगैरह या फिर लकड़ियाँ चिपकाने के लिए होती है, उससे मैं इसको चिपकाऊँगी। थोड़ा वजन वगैरह रख देना ताकि अच्छे से चिपक जाए और हिले ना अपनी पोजीशन से। इसके बाद मैं इसको जो चिमटी नहीं होती कपड़े पहनने कपड़े सुखाने वाली, उससे भी मैं इसको अपनी पोजीशन पे स्टिक कर रही हूँ। अब रही बैक की बात, जो बैक में वी बनना है वो कुछ इस तरह से बनना है। तो अब मुझे ये कटिंग इस तरह से देखनी है कि मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना, क्योंकि ये मोटा हो जाएगा, इसलिए मैं फ़िलहाल स्ट्रेट काट रही हूँ। और स्ट्रेट काट के इसको मैं वी शेप में करके देखूँगी कि कितना ट्रायंगल और कटेगा, शोल्डर की लेंथ आई मीन शोल्डर की विथ का वी बनाना है। अभी ये सूखा नहीं है, बट मुझे ये देखना है कि जो वाई के नीचे का डंडा है वो कहाँ तक आएगा। जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो मैं बाद में करेक्शन कर लूँगी, बट फिलहाल मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये मैंने रफली ट्राई किया है और मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी लूज़ है शोल्डर से, तो मुझे ये खींच के कम 5 इंच नीचे करना पड़ेगा, या 4-5 इंच तो मान ही लो। तो मैं इसको करेक्ट कर कर आती हूँ। ये मैंने करेक्ट कर लिया है और अब ये परफेक्ट है मेरे लिए। ये इतना स्टिफ है कि ज़मीन पे इस तरह से खड़ा भी हो जाता है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिवेट्स लगवाने थे, तो मैं मोची के पास आई हूँ और उससे मैं रिवेट्स लगवा रही हूँ। और कोई मोची मुझे पता नहीं है और इनके पास 10 ही हैं गिनती के, और थैंकफुली वो 10 ही मुझे चाहिए, बट थोड़ी सी जंग लगी हुई है। बट आई एम स्टिल गोइंग अहेड विद दिस एंड आई टोल्ड हिम टू यूज़ देम। इन्होंने 10 रुपीज़ मुझसे लगवाने के लिए हैं और 10 रुपीज़ का एक रिवेट दिया है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको सिल्वर पेंट करने वाली हूँ। बट इन रिवेट्स ने इस बेल्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया है और एकदम प्रोफेशनल लुक दे रहा है। तो आइए हम इसको हम पेंट करते हैं सिल्वर पेंट से। इसके लिए मैंने ये स्प्रे बॉटल ली है सिल्वर की, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, ये पोलो की है। मुझे थोड़ा सा चाहिए इसलिए मैं पूरा स्प्रे नहीं कर सकती, इसलिए मैं डब्बे में थोड़ा सा निकाल रही हूँ और ईयरबड से मैं इसको फिनिश करूँगी। आई लव दिस DIY। एक हार्नेस बेल्ट तो होनी बनती है अपने क्लोजेट में, है ना। और मैंने इसको बहुत तरीक़ों से स्टाइल भी किया है, और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट पीस होना बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।